दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आई हुई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों इस वैकेंसी में हम जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, चाहे वो डिप्लोमा के हो चाहे बीटेक के हो, फ्रेशर्स के कैंडिडेट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जहाँ पर दोस्तों मई से लेकर जून तक जो है इसकी लास्ट डेट है, तो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर वीडियो पसंद आए जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। देन दोस्तों अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में आपको अपलोड मिलेगा, आप जो है उसको देख सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए वैकेंसी बता रखी है, ये वीडियो जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे जो वैकेंसी आई हुई है, ये जो है दोस्तों पंजाब पीएससी में जूनियर इंजीनियर के लिए जो है वैकेंसियाँ रखी है। दोस्तों यहाँ पर अगर बात किया जाए कौन कौन से कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं, यहाँ पे दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की हम बात करें इसलिए हमारा जो मेन फोकस होगा दोस्तों इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले कैंडिडेट के लिए होगा। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोकल गवर्नमेंट की 5 सीट, देन दोस्तों रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत में 2 सीट, देन दोस्तों वाटर रिसोर्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में 13 वैकेंसी, देन दोस्तों PWD में जो है 25 वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एग्रीकल्चर की 3 वैकेंसी। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों इलेक्ट्रिकल के लिए हो गई, यहाँ पे जो इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे मैकेनिकल के सिविल कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा इन जूनियर इंजीनियर इन द ब्रांच ऑफ सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन यानी कि BBTEC के कैंडिडेट भी फॉर्म के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे डिप्लोमा और BTEC दोनों कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 18 से 37 साल जो है दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो ये जो फ़ी है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिया जा रहा है। जनरल कैंडिडेट के लिए और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3,000 रुपये का फॉर्म रखा गया है। बाकी SST के लिए 1,100 रुपये का फॉर्म यहाँ पे रखा गया है। कैसे अप्लाई करना है आपको हमने लिंक दे रखा है, या फिर वेबसाइट का नाम बता देता हूँ दोस्तों, quicktechd.com। तो ये वेबसाइट है दोस्तों, इसमें आप जाएंगे quicktechd.com, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाइए, आपको जो है इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों अगली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो अगली वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आई हुई है। 9 मई जो है इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ कि यहाँ पे फॉर्म को कौन कौन से कैंडिडेट जो है एलिजिबल है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट और बीटेक के इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। 30 सीट जो है इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट के लिए रखी गई है। अब फील्ड सुपरवाइजर जहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनके लिए जो है 47 वैकेंसीज रखी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों BE, BTEC और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 18 से 29 साल कैंडिडेट जो यहाँ पे जनरल वाले एलिजिबल हैं। देन दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, यहाँ पे जो है आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस जो है सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट में दोस्तों आपके 2 पार्ट रहेंगे। तो पहले पार्ट में दोस्तों 50 क्वेश्चन जो है आपसे डिसिप्लिन से पूछा जाएगा, दूसरे पार्ट में 25 क्वेश्चन जो है आपसे एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। 1 घंटे का दोस्तों ये पेपर होगा, इसके बाद जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मौका आप लोग के लिए यहाँ पे आया हुआ है। तो इसकी लास्ट डेट दोस्तों बहुत ही जल्दी है, तो आप जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो 400 रुपये का BTEC वाले के लिए और 300 रुपये का डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। 9 मई जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है। दोस्तों अगली जो वैकेंसी है हम बात कर रहे हैं, तो अगली जो वैकेंसी आई हुई है वो जो है आपका इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में आई है, जिसे हम ITI लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के लिए वैकेंसी आई है। इलेक्ट्रिकल का ये वीडियो है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे उनके लिए 7 सीट्स रखी गई है। 07 जो इनके नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल हैं, 60% जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है। देन दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जाए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इस लिमिट जो है 30 साल रखी गई है। फ्रेशर्स के ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रायबरेली जो है इसका जॉब लोकेशन होगा। quicktechd.com ये वेबसाइट है दोस्तों, वहाँ पर जो आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों लास्ट डेट आपका 21 मई 2021 रखी गई है। यहाँ पे क्या है, आपको पहले ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा, फिर उसका जो प्रिंट निकाल के आपको हार्ड कॉपी जो है सेंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो एड्रेस रखा गया है आपको सामने स्क्रीन में शो कर रहा है। देन दोस्तों ये एज लिमिट एक बार मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो एक बार फिर से बता दूँ, लास्ट डेट जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का 15 मई है और हार्ड कॉपी का जो है 21 मई यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों अगली जो वैकेंसी है फिर से पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि PSTCL में जो है वैकेंसी निकल रखी है। यहाँ पे दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 43 वैकेंसी। अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए जो रखी गई है जूनियर इंजीनियर पोस्ट, और यहाँ पर जो है आपका अभी पोस्ट रखा गया है। तो यहाँ पे BE, BTEC के सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा इन द ब्रांच ऑफ सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के कैंडिडेट जो यहाँ पे एलिजिबल हैं। टेलीकम्युनिकेशन के कैंडिडेट भी फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं।
20 लेके 37 साल जो है एज लिमिट रखी गई है। एग्जामिनेशन फ़ी दोस्तों यहाँ पे कितना रखा गया है, तो यहाँ पे अदर कैटेगरी के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे 1400 रुपये का फॉर्म रखा गया है। बाकी कैटेगरी के लिए आप जो है एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देख सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, सेम वेबसाइट है quicktechdi.com। इस वेबसाइट पे दोस्तों आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप जो है उस वेबसाइट को डेली विजिट किया कीजिए, तो वहाँ पे जो है आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इस वैकेंसी की, और जितनी भी और भी वैकेंसीज हमने बताई हैं उन सारी की आप डिटेल इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। देन दोस्तों बात की जाए इसके लास्ट डेट की, तो दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 17 मई रखी गई है, और 19 मई को जो है यहाँ पे डिपॉजिट जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको पेमेंट करने का लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है। अगली दोस्तों जो वैकेंसी हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में है, जिसका नाम इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी ढेर सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो यहाँ पे जॉब लोकेशन जो है आपका तमिलनाडु में होगा। यहाँ पे बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे जो है साइंटिफिक ऑफिसर्स, टेक्निकल ऑफिसर्स, देन स्टिपनी ट्रेनिंग कैट वन यानी कि डिप्लोमा की जहाँ कैंडिडेट एलिजिबल है उनके लिए जो है वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए वैकेंसी निकल रखी है। 60% जो है रिक्वायरमेंट है दोस्तों। यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है, हर एक पोस्ट अलग अलग एज लिमिट रखी गई है। अगर आप टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए भरना चाहते हैं तो 18 से 40 साल। अगर आप बात करते हैं दूसरी पोस्ट के लिए कि जैसे कि स्टिमिंग ट्रेनिंग के लिए फिलअप करना चाहते हैं तो 18 से 24 साल के कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन दोस्तों अगर आप और भी दूसरी पोस्ट के लिए फिलअप करना चाहते हैं तो 18 से 35 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम लिया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 300 रुपये का जो है एप्लीकेशन फ़ी ऑफिसर्स के लिए, टेक्निकल ऑफिसर्स का रखा गया है। जो स्टिपनी ट्रेनिंग कैट वन के लिए है उनके लिए 200 रुपये का फॉर्म, और SST कैंडिडेट और वुमेंस कैंडिडेट कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं रखी गई है। कैसे अप्लाई करना है, फिर से आपको quicktechdi.com पे जाना है, वहाँ पे आप उसको लिंक मिल जाएगा। तो इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, वहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 14/5 यानी कि 14 मई 2021 जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। आप जो है इससे पहले फिलअप कर लीजिए दोस्तों। बहुत ही ढेर सारी वैकेंसीज मिलती है आपको हमारे चैनल में, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों ये वेबसाइट है quicktechdi.com वेबसाइट, जहाँ पे दोस्तों आपको ढेर सारी वैकेंसीज मिलती है। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ढेर सारी हर एक ब्रांच के लिए वैकेंसी मिलती है, चाहे वो मैकेनिकल की हो, इलेक्ट्रिकल की हो, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री किसी भी ब्रांच की हो, ITI की हो, डिप्लोमा की हो, BTech की हो, या फिर सिंपल ग्रेजुएशन के लिए हो, सबके बारे में जो है आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो आप जो इस वेबसाइट को डेली विजिट कीजिए, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे दोस्तों ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। इसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर का पेपर को डाउनलोड करने के लिए आप जो है इस वेबसाइट पे जाइए, आपको जो है ढेर सारी वैकेंसीज का यहाँ पे प्रीवियस ईयर का पेपर भी मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपको जो है यहाँ पे टेक्निकल वैकेंसीज, नॉन टेक वैकेंसी और मल्टीनेशनल कंपनी की वैकेंसी भी यहाँ पे अपलोड होती है, तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।